थैंक्स यार। इरु पापा आ गए। पापा कब आए? कल रात तुम सो रहे थे। बाय पापा, बाय नू, बाय। मैंने क्या ले? वो स्ट्रॉबेरी। और दादा के लिए? वही। तोरो के लिए? धो लो पहले। ईशान, ईशान, ईशान। पापा, पापा एक्वेरियम, पापा, पापा प्लीज आज एक्वेरियम। पापा, पापा, आज एक्वेरियम जाएंगे, ओके? माया, ईशान को बुखार था थर्सडे को? नहीं तो? ये क्या? एब्सेंट नोट। मैंने ये नोट नहीं लिखा। ईशान, इधर आओ। कम हियर। ईशान, इधर आओ फौरन। इधर आओ। ये क्या है? क्या मतलब है इस नोट का? जवाब दो ईशान, वरना इतना मारूंगा के। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो मेरी आंखों में। एंड आंसर मी, वेयर द हेल वर यू ऑन थर्सडे? वेयर? मैं पूछती हूं, कहां गए थे बेटा? स्कूल नहीं गए तो कहां गए? बोलो बेटा कहां? आंसर, गॉड डैम इट। क्या क्या बोल रहा है? बंक। व्हाट? स्कूल बंक किया ईशान? बंक किया और क्या किया? क्या किया? कहां गए? कहां? रोड। व्हाट रोड? कौन सा रोड? किसके साथ? किसके साथ गए? अकेले। अकेले? दिमाग खराब है तुम्हारा? आर यू आउट ऑफ योर ब्लडी माइंड? सारे शहर में अकेले घूम रहे थे, हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? इडियट, ये क्या हो रहा है यहां? सुना तुमने? अगर कहीं खो जाता तो कहां ढूंढते थे हम लोग? और ये किसने लिखा? किसने लिखा ये एब्सेंट नोट? तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते, ब्लडी डफर इडियट। इतना लिख पाते तो पास नहीं हो जाते। ईशान, किसने लिखा ये नोट बताओ? किसने लिखा ये? ईशान, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, हु रोट दिस एब्सेंट नोट? बोलो किसने लिखा, बताओ। टेल मी। क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल पिछले साल की तरह। बुक्स स्टिल इज एनिमीज। पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। जान बूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है, ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है। ऑल द टाइम आस्किंग फॉर परमिशन टू गो टू द टॉयलेट। आई एम थर्स्टी, आई वांट टू डू सुसु, थर्स्टी सुसु, थर्स्टी सुसु। Disturbs the whole class with his silly pranks. और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे, हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं। आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे? पिछले वेंसडे को पेरेंट सिग्नेचर के लिए, आज तक वापस नहीं आए। They were a sight, I tell you, Mrs. Awasthi. In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, maths test. 3 into 9 is equal to 3. बस इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए। कौन मानेगा ये योहान अवस्थी का छोटा भाई है? मिस्टर अवस्थी। यस। वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।
शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब? शायद वो कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं।